अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर अली सैयद कमाल और आप देख रहे हैं स्किन साइंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आज का जो मेरा टॉपिक है जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो इट्स अ बेनाइन स्किन कंडीशन, लेकिन लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली बड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसका वो कैमोफ्लाज उनको करने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक है जी, दैट इज़ कॉल्ड स्किन टैग। स्किन टैग जो होते हैं, इनको उर्दू में हम अपनी लोकल ज़ुबान में मुखे कहते हैं, जो कि कॉमनली हर किसी में प्रेजेंट होते हैं। इसकी 3-4 वजूहात होती हैं जो ये स्किन में डेवलप हो जाते हैं। एक इनकी वजूहात होती हैं कि ये हाइड्रेटरी होते हैं, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है, आपकी मदर को होते हैं या फादर को होते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे ट्रैवल करते रहते हैं। दूसरी इसकी जो रीज़न होती है वो ओपेसिटी है जी। जो लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं उनमें ये चीज़ कॉमनली पाई जाती है जी। तीसरी इसकी मेन रीज़न होती है कि जो लोग इचिंग ज़्यादा करते हैं, फोल्ड्स में जिनको इचिंग ज़्यादा होती है, जैसे नेप ऑफ नेक हो गया, आपके ग्रॉइंस हो गए, आपके आर्मपिट्स हो गए, उनमें जो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से, रबिंग ऑफ स्किन की वजह से स्किन टैग्स जो होते हैं ये इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं और इनमें फिर आपको इरीटेशन होना शुरू हो जाती है। जो प्राइमरी साइन होता है स्किन टैग्स में, वो बेसिकली इचिंग और इरीटेशन ही होता है, जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास ओपीडी में या आपके प्राइवेट क्लिनिक में आता है और वो बताता है कि जी ख़ारिश हो रही होती है और जो होती है इचिंग जो है वो काफ़ी इंटेंस हो जाती है टाइम्स जब आप स्वेट करते हैं। स्किन टैग्स जो होते हैं जी, इनकी प्रेजेंटेशंस फ़र्क होती हैं। फेयर पीपल में ये पिंकिश टू ब्राउन होते हैं, और अगर डार्क कम्प्लेक्शन के लोग आ रहे हैं तो उसमें ये वेरी डार्क ब्राउन से लेके ब्राउन कलर के ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और उसमें ये होता है, इनकी शाफ्ट होती है और फिर हेड होता है, जिससे आप ईजिली इनको मेकआउट कर सकते हैं और इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वायरल वॉट्स के साथ। वायरल वॉट्स पर भी हमने एक एपिसोड की थी, जिनकी पिक्चर्स मैंने लेटर ऑन आप लोगों के साथ शेयर की थी, उनसे आप इनको फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो उनसे डिफरेंट है। ये क्योंकि इट्स अ बेनाइन कंडीशन, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने स्किन टैग्स में करनी है वो ये करनी है कि ये साइकोलॉजिकली आपको एक इम्पैक्ट देते हैं और आपकी जो अपेयरेंस होती है उस पर ये ज़रा थोड़ा सा आपको कॉन्शियस कर देते हैं। तो इसको आप कैमोफ्लेज तो एज सच कर नहीं सकते। अगर आपको ये कहीं हैं बीनीथ द फोल्ड्स, यानी कि आपके टमी का जो है लाइन उसके नीचे हैं, या बीनीथ ब्रेस्ट, आर्मपिट्स, ग्रॉइंस, तो उनमें आप वो हमेशा छुप जाएंगे कपड़ों से, लेकिन अगर आपको नेक पे हैं और फेस पे हैं तो वो हमेशा विजिबल होंगे। उनके लिए हमारे पास जो 2-3 कॉमनली ट्रीटेड एरियाज़ हैं, उसमें हम लोग क्रायोथेरेपी करते हैं, यानी इनको फ्रीज कर देते हैं, जिनकी वजह से ये झड़ के ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो होता है इनका, वो इलेक्ट्रोकॉटरी होता है, यानी कि हम इनको बर्न कर देते हैं। जो बड़े बहुत स्किन टैग्स होते हैं उनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो इलेक्ट्रोकॉटरी ही होती है, वो इसलिए क्योंकि उससे ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। जो क्रायोथेरेपी होती है वो इतनी डेप्थ में हम लोग नहीं देते, क्योंकि वो टिश्यू को डैमेज करके आपको जो है ज़्यादा हर्ट कर सकती है, तो उसमें फिर हम लोग केयरफुल रहते हैं। ये जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें पहली जो पिक्चर है ये डार्क स्किन पेशेंट की थी, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्किन टैग्स हैं वो काफ़ी डार्क हैं, और जो दूसरी पिक्चर है ये फेयर कलर पेशेंट की थी, और आप देख सकते हैं कि इसमें स्किन टैग्स जो हैं वो बड़े लाइट और पिंकिश किस्म की हैं। तो इनकी प्रेजेंटेशंस ऐसे हो सकती हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड सी यू नेक्स्ट वीक।